हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, पिस्टन पावर ऑटो चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे महिंद्रा जीतो, जिसका जो कूलेंट लीकेज है वो कूलेंट लीकेज कहाँ से हो रहा है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, और उसे किस तरीके से ठीक किया जाएगा वो भी हम वो प्रोसेस पूरा देखने वाले हैं। पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें देखा था कि कूलेंट जो रिजर्वायर में नहीं था तो गाड़ी जो है वो हीट हो रही थी। तो वो टाइम पे रीज़न मालूम नहीं था कि कहाँ से कूलेंट लीक हुआ है, लेकिन अभी हमको पता चला है कि कूलेंट एक्चुअली किधर से लीक हो रहा है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख लीजिए, यही जो पार्ट है ये देख लीजिए, पहले कूलेंट देख लीजिए इंजन पे, पूरा कूलेंट जो है वो नीचे तक आ चुका है, पूरे इंजन के कंपार्टमेंट जो भी बॉडी है कवर नीचे का वो सब कूलेंट से भरा हुआ है। ये देख लीजिए, तो ये वाटर एडाप्टर वाटर पंप है वाटर, और जो लीकेज हुआ है वो वाटर एडाप्टर ओरिंग जो रहती है उसके वजह से होता है। तो अभी इसमें एक ओरिंग इतनी जल्दी क्यों ख़राब होती है इसका तो रीज़न अभी तक नहीं मालूम है, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट सर्विसिंग, जैसे कि अभी मेरी गाड़ी 2,500 किलोमीटर चली है, तो 2,500 किलोमीटर में ये प्रॉब्लम आ गया, तो ये सर्विसिंग के टाइम में ही क्यों आता है ये तो पता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि फर्स्ट सर्विसिंग जब भी गाड़ी के आती है तो ये प्रॉब्लम फेस होता है। तो ये देख लिया, अभी मैं इसको खोलने जा रहा हूँ, 10 नंबर के बोल्ट है दो, जो हमारा ऑयल फिल करते हैं उसके बाजू में ही है, वहाँ पे ओरिंग रहती है नीचे अंदर जो एडाप्टर है। पहले ये देख लीजिए कि रिजर्वायर में कुछ भी कूलेंट नहीं है, पूरा कूलेंट जो है वो इस लीकेज के वजह से ड्रेन हो चुका है, तो इसको हम सही करेंगे। इसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी वो भी मैं बताता हूँ आपको, कि जो ये देख लीजिए, ये मैंने अभी खोल लिया है और ये ओरिंग है, और जो ग्रीन में आपको लिक्विड दिख रहा है वो कूलेंट है जो यहाँ से पास होके इंजन में चला जाता है। तो इधर से ही मेन लीकेज था अपना, अभी इसको ही हमको ठीक करने का है। अभी क्या होता है कि ये जो ओरिंग है, ये बाहर आप खरीदने जाओगे इसकी कीमत 6 से 7 रुपये है, लेकिन मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ कि मिली नहीं मेरे को महिंद्रा के स्पेयर पार्ट में, और जहाँ पर मिली तो उसकी कीमत मुझे 50 रुपये बता दी। 50 रुपये की ये ओरिंग मेरे को विदाउट पैकेट सील पैकेट ऐसी खुली ही थी, तो उसने 50 रुपये बताए तो मैंने नहीं ली। अगर हाँ ठीक है, अगर वो 10-15 रुपये बोलता तो ठीक है, उतना ज़्यादा हमको नहीं प्रॉब्लम आता, लेकिन 50 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैंने वो खरीद ही नहीं। तो अभी मैं इसी ओरिंग को ठीक करके रिपेयर करके इस वीडियो में परमानेंट सॉल्यूशन जो भी है वो दिखाऊंगा। तो मैंने 2-3 ओरिंग भी ले ली थी, वो फिट नहीं आ चुकी, तो अभी इसको ही मैं बनाऊंगा। ये देख लीजिए, ये जगह पे वो ओरिंग का मार्क भी आपको दिख रहा होगा कि एक जगह पे मार्क नहीं है, तो उधर से ही लीकेज हो रहा था। तो पहली मेथड जो मैंने की है वो मैं फेल हो गया, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ कि कौन सी मेथड करके मैं फेल हो गया हूँ। तो वो आप खाली मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो आप सीख सके कि डायरेक्टली आप करने जाओगे तो आपका समय ना ख़राब हो, इसलिए मैं आपको वो भी मेथड दिखाऊंगा और सही तरीका भी दिखाने वाला हूँ जो कि परमानेंट सॉल्यूशन है। अभी देख लीजिए, प्लायर की मदद से क्लिप वगैरह आपको इसकी बाजू में करने का है और उसको निकाल के लेने का है। अभी मैंने कूलेंट है इसलिए उसको घुमाया है उल्टा, नहीं तो कूलेंट नीचे आ जाएगा।
ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने बाहर से टू व्हीलर के जो भी स्पेयर पार्ट है उधर से भी चेक करने के लिए लिया कि ओरिंग फिट होती है क्या, तो उसका कोई काम नहीं है। ये ओरिंग मुझे मिली लेकिन इसकी डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी बड़ी ओरिंग है और फिट भी नहीं हो रही है, क्योंकि उसके अंदर बैठने के लिए जो सर्कुलर शेप है उसके अंदर थोड़े पॉइंट है, उसकी वजह से वो जा नहीं रही है। तो ये भी ओरिंग कोई किसी मतलब की नहीं है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक्चुअल में क्या किया है। पुराने ओरिंग को ही मैंने किया है, क्योंकि स्पेयर पार्ट वाले जो भी लालची है वो चूना लगाते हैं हमको कि अभी ये 6 रुपए की ओरिंग है दोस्तों, ठीक है ना, 10 रुपये उसने ले लिए तो 10, 15, 20 रुपये भी ले लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके ऊपर उसको कितना मिलता है वो भी हमको मालूम नहीं है। और ये सर्विसिंग के टाइम पे क्यों ख़राब होता है वो भी एक, हाँ तो सर्विसिंग के टाइम पे क्यों ख़राब होता है ये पार्ट, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि गाड़ी क्या सर्विसिंग के लिए जल्दी से जल्दी सर्विस सेंटर जाए इसके वजह से रखा है ऐसा, ये भी एक सोचने वाली चीज़ है। ये देख लिया दोस्तों, मैंने इसको निकाल दिया है अभी जो रॉन्ग, और ये ट्यूब है फेल है इसके ऊपर। अभी देख लीजिए ये जो मैंने टेपिंग किया है, जो पहले अभी वीडियो ने देखा तो वो फेल मेथड है, वो आप ना करें इसके वजह से मैंने वो दिखाया है। वो फेवी क्विक का जो ट्यूब लगाया हुआ था, अभी ये मैंने क्या लगाया हुआ है, ये टेफलॉन टेप है और उसको रैप किया है ओरिंग के ऊपर, और उसकी थिकनेस भी बढ़ चुकी है और फिटिंग भी अच्छे से आ गई है उसके ऊपर। थोड़ा सा उसको दबा के प्रेस करके आपको बिठाना पड़ेगा जब तक कि शेप ना आ जाए पूरी तरीके से, तभी वो अच्छे से बैठेगा। और ये ट्यूब है ये उसके ऊपर अच्छे काम कर रही है, इसी के वजह से ये देखिए इसको ऐसे लगाने का है, ये टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद, और ये पूरी तरीके से उसके ऊपर कारीगर है। जो पहले जो ट्यूब आपने देखी फेविक्विक की या फेविकॉल की वो सक्सेसफुल नहीं है, और ये रेसिमोंड जो है ये सक्सेस हुआ है दोस्तों। जो फेल है इसलिए मैंने दिखाया है क्योंकि वो ना करें आप। तो अभी ये मैंने पूरा फिट कर दिया है, आधे घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद आप पाइप भी जोड़ के कूलन डाल दीजिए पूरा, और चेक कर लीजिए कहीं से लीकेज है क्या। थोड़ा ही कूलन डालिए और कंफर्म होने के बाद पूरा टॉप अप कर लीजिए। तो अभी इसको आधे घंटे के बाद मैंने फिट किया है पूरा सूखने के बाद, ये देख लीजिए आपको कूलेंट दिख रहा होगा अभी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, थैंक यू वेरी मच।